तो ऐसे तो कुछ बनाने नहीं हो रहा। सुबह को दुकान से 11 बजे चाय और एक गुड्डे के पाकिट ला के नाश्ता की। अभी जा रही हूँ, थोड़ा कुछ बनाऊंगी। 3-4 दिन पहले के रोटी पड़ा है, उसको कुछ बनाऊंगी। दोस्तों, मेरे जख्म पहले से थोड़ा कम है, आराम है। एक सब्सक्राइबर की मेहरबानी है, वो दवा ला के देते हैं। 8 से 10 दिन की दवा 1000 रुपया लग जाता है। उन्होंने बोले हैं जब तक मेरा पैर नहीं अच्छा होगा वो दवा मुझे ला के देंगे। 5-6 दिन पहले के रोटी पड़ा हुआ है, जा रही हूँ कुछ बनाने के लिए। देखो उसका क्या बना सकती हूँ। दोस्तों, ये 2 रोटी है, 4-5 दिन पहले की रोटी है, फ्रिज में रखा हुआ था। अब इसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लूँगी। देखिए दोस्तों, कढ़ाई में थोड़ा घी डाल दी हूँ और एक इलायची है और एक दालचीनी है, इसको भी इसमें डाल दूँगी। अब इसको थोड़ा सा लाल करूँगी। देखिए दोस्तों, ये लाल हो चुका है थोड़ा मीडियम। अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी। आप पानी के जगह पे दूध भी डाल सकते हो, तो मैं पानी इसलिए डाली कि दूध मेरा ये देखिए जल गया है। दूध गैस पे चढ़ा के सो गई थी तो ऐसे सूख गया, तो मैं ऊपर से दूध डालूँगी। इसके पास दूध नहीं है, वो इस तरह से पानी से भी बना के खा सकता है, पानी से भी अच्छा लगता है। हम लोग ऐसे ही खाते हैं, कभी दूध नहीं रहता तो खाली पानी से भी बना के खाते हैं। अब ये देखिए 2 चम्मच शक्कर ली हूँ, 2 रोटी है बोल के 2 चम्मच शक्कर ली हूँ। मीठा कम ज़्यादा होगा तो बाद में ऊपर से शक्कर डाल सकते हैं। दोस्तों, 2 मिनट तक पानी को उबाल ली हूँ। पानी थोड़ा 2-3 मिनट उबालने से उसका टेस्ट बदल जाता है, नहीं तो पानी पानी लगता है। पानी उबलने पे सोनापन आ जाता है। अब जो देखिए 2 रोटी मैंने तोड़ के रखी थी, ये 2 रोटी को इसमें मैं डाल दी। अब इसको मैंने चला दूंगी मीडियम आंच पे, इसको मैं थोड़ा गलने तक पकने दूंगी। तो रोटी 70% गल चुका है, एकदम गलाएंगे तो हलवा बन जाएगा। 60 या 70% ऐसे देखिए गल जाता है। देखिए देखिए, इसको अभी ये जो है पानी इसमें इसी तरह से हम उतार लेंगे। अगर खाली पानी से बनाना है, दूध नहीं डालना है, तो हमको ऊपर से थोड़ा दूध डालना है। इसके लिए आँच फास करके पानी को थोड़ा और सुखा देना है। तो हम पानी को आँच को फास करके थोड़ा पानी और सुखा देते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा रोटी बनके तैयार है। अभी थोड़ा इसको ठंडा होने देते हैं, ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा, थोड़ा ठंडा होगा उसके बाद हम दूध डालेंगे। दोस्तों, ये बिल्कुल देखिए गाढ़ा हो चुका है, देखिए सूख चुका है। अगर आपको खाली पानी से बना के खाना है तो आप इससे थोड़ा पतला बनाइएगा, एकदम सूखा सूखा अच्छा नहीं लगता। तो मुझे थोड़ा दूध डालना है, दूध जल के गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए, इसके ऊपर दूध डाल दे रही हूँ मैं थोड़ा, 2 चम्मच। तो ये जल गया है, मतलब सूख गया, गाढ़ा हो गया, तो कोई बात नहीं, इससे और टेस्टी लगेगा। तो चलिए हम लोग खाते हैं। दोस्तों खाते हैं, ये देखिए, चलिए खाते हैं दोस्तों। मीठा बराबर है, अब परफेक्ट बना है। दूध से बनाते तो उतना ही टेस्ट होता है जो पानी से बनाने के बाद, जो दूध सूख गया था ऊपर से डाल दी हूँ। ये देखिए कितना मस्त लग रहा खाने में। 4-5 दिन का रोटी है, आप लोग भी इसी तरह से बनाइए, खाइए और टेस्ट करिए। रोटी फ्रिज में रख दीजिए, या फ्रिज नहीं है तो सूखा के टुकड़ा टुकड़ा करके सूखा के रख दीजिए। आप इस तरह से बना के खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है, दाना भी नुकसान नहीं होगा और अच्छा टेस्ट भी रहेगा, पेट भी भर जाएगा। हम गरीबों के लिए तो यही बहुत अच्छा है।
लगता है आप लोग मेरे ब्लॉग को आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एक दूसरे के साथ शेयर करिए, मेरी मदद करिए। आप लोग एक लाइक एक सब्सक्राइब मेरी ज़िंदगी बदल सकती है, प्लीज़ मेरी मदद करिए।